बॉलीवुड में रिलेशनशिप और अफेयर्स की बात आम हो गई है। इन सब की खबरें काफी तेजी से फैलती हैं। इसके पीछे की वजह है फैंस की उत्सुकता, जो उन्हें अपने चाहते सितारों के बारे में जानने पर मजबूर कर देता है। आज हम बात करेंगे उन कलाकारों के बारे में जो कभी एक्ट्रेस के साथ कमरे में कैद हो चुके हैं। नंबर एक, अजय देवगन काजोल। 90 के दशक में करिश्मा कपूर और अजय देवगन का रिश्ता काफी सुर्खियों में था। दोनों ने 5 फिल्मों में काम करने के बाद दोनों के बीच गहरा प्यार शुरू हो गया था, पर अजय के इस रिश्ते से सीरियस न होने की वजह से विवाद का कारण बन गया था। यह तब की बात है जब करिश्मा के अजय को फोन करने पर किसी महिला की आवाज आई। वह महिला कोई और नहीं बल्कि काजोल थी। बता दे कि उस समय काजोल अजय के बेडरूम में थी, और यह बात जब करिश्मा को पता चली तो उन्हें काफी गुस्सा आया, और आखिर में करिश्मा ने अजय से सारे रिश्ते तोड़ लिए और अजय देवगन ने साल 1999 में काजोल से शादी कर ली। नंबर दो, नाना पाटेकर आयशा जुल्फा। बता दे कि कभी मनीषा कोइराला अपने से 20 साल बड़े अभिनेता नाना पाटेकर के साथ रिलेशनशिप में रहने के कारण काफी सुर्खियों में रही थी, पर यह रिश्ता नाना पाटेकर के गुस्सेल और सकारात्मक स्वभाव और उनके अभिनेत्री आयशा जुल्फा के साथ रिश्ते होने के कारण काफी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। यह तब की बात है जब एक बार मनीषा ने नाना और आयशा को होटल के कमरे में पकड़ा था, और इस पर होटल में काफी हंगामा भी हुआ था। नंबर तीन, रानी मुखर्जी गोविंदा। फिल्म हद कर दी अपनी शूटिंग के दौरान रानी और गोविंदा एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, पर गोविंदा के शादीशुदा और दो बच्चों के पिता होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी को घर छोड़कर रानी के घर आने लगे थे। पर बात तब खुल गई जब एक रिपोर्टर रानी मुखर्जी के घर इंटरव्यू लेने पहुंचे तो गोविंदा को ड्रेस पहनकर बेडरूम से बाहर निकलते हुए देखा गया। इसके अलावा गोविंदा अपनी पत्नी को तलाक देकर रानी से शादी करने को तैयार नहीं थे, और इसी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। नंबर चार, संजय दत्त और सुष्मिता सेन। संजय दत्त की सुष्मिता सेन से मुलाकात एक मंच पर हुई थी, जिसके बाद वे एक दूसरे से मिले और फिर करीबी दोस्त से प्रेमी बने। बात तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि संजय दत्त सुष्मिता सेन के पीछे विदेश तक पहुँच गए थे और उन्हीं के कमरे में रुके थे, और इसी दौरान एक रिपोर्टर के सुष्मिता के होटल के कमरे में इंटरव्यू लेने घुसने पर संजय दत्त को उनका हाथ थामे बैठे देखा गया था। इसके बाद इनकी लव स्टोरी काफी सुर्खियों में रही थी।